में एंड तक बने रहना, कमेंट करके बताना कि भाइयों हमारा काम आपको कैसा लगा। ये जो ट्रैक्टर 74 घंटे सॉरी चला हुआ है, तो इसको अब डीलर पे चला के देखेंगे। इसकी कुछ परफॉर्मेंस कम है, वो कम इस वजह से है कि भाइयों ने ट्रैक्टर रवा नहीं करा हुआ था, तो इसे हम ट्राई कर रहे हैं अपने तरीके से थोड़ा रवा करने की। आगे एक बार लगा लिया है, ट्रैक्टर को हीट पे लाएंगे थोड़ा सा, तो उसकी हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि ट्रैक्टर रवा कैसे करना चाहिए। क्योंकि कुछ भाई ट्रैक्टर नया लेने के बाद बहुत पुचकार के चलाते हैं, तो वो ट्रैक्टर को अच्छे से रवा नहीं हो पाता, तो इसलिए अब हम ये ट्रैक्टर रवा करने की देखते हैं। आपको दिखा देता हूँ कि कितने घंटे चल चुका है ट्रैक्टर, ये 174 घंटे चल चुका है ट्रैक्टर। एक सर्विस हो चुकी है भाइयों इसकी, और अब इसे आज रवा करने के देख रहे हैं। भाई ने लोड डाला ही नहीं था अभी तक इस ट्रैक्टर पे। तो भाइयों हमारे हरजीत भैया ट्रैक्टर रवा कर रहे हैं। ये जय किसान टेक्निकल वाले भैया हैं जो हरजीत, ये इस ट्रैक्टर को रवा कर रहे हैं। तो आप रिपोर्ट देख के बताना कि ट्रैक्टर में किस कंडीशन में। अब देख सकते हो ट्रैक्टर अब कम से कम भी 1500 से 2000 चक्कर ड्रॉप कर रहा है इस टाइम पे। ट्रैक्टर की ये कंडीशन है, पहले हाई गियर में, और 9 का कल्टीवेटर है, 9-10 का कल्टीवेटर है इस पे। ट्रैक्टर का दम घुट रहा है, एक देसी भाषा में कह दे तो ट्रैक्टर का बहुत ही ज़्यादा दम घुट रहा है। और अभी से थोड़ा रवा करने के बाद आपको वीडियो में कंटिन्यू दिखाते रहेंगे कि क्या सुधार आया है ट्रैक्टर रवा करने के बाद। तो इस दौरान सबको ये पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर रवा करना ज़रूरी है। तो भाइयों ये कंडीशन है इस टाइम पे, 1000 से 1500 चक्कर ट्रैक्टर कंट्रोल पे ड्रॉपेज दे रहा है। जो ट्रैक्टर कंट्रोल पे चल रहा है, दोनों लीवर तो छोड़ के। भाइयों चेक करो, ये अभी 15 मिनट ट्रैक्टर चलाया है, ओवर हीट करने रहे हैं ट्रैक्टर को, तो इसमें ही ट्रैक्टर का साउंड चेंज हो गया, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस दिखने लग गई है। और आप वीडियो में बने रहना, एंड तक दिखाएंगे ट्रैक्टर रवा कैसे करना चाहिए किसान भाइयों को। तो अभी कंडीशन ये है कि अब ये टॉप लो में चल रहा है ट्रैक्टर, मतलब कि चौथे के लो गियर में ट्रैक्टर चल रहा है, तो अच्छी कंडीशन। अब ट्रैक्टर दाब कम दिखाता आ रहा है, अब आपको इसका हीट दिखाते हैं कि क्या हीट पे चल रहा है फिलहाल, टेम्परेचर इसका क्या है। तो इस टाइम पे टेम्परेचर यहाँ पे आ गया है, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ये टेम्परेचर की सुई है, इसे आप चेक कर सकते हैं। और अब आपको चौथे के लो में दिखाएंगे ट्रैक्टर क्या ड्रॉपेज दे रहा है, ना कि क्या ड्रॉपेज दे रहा है चौथे के लो में ट्रैक्टर। नॉर्मल 2000 आरपीएम से ट्रैक्टर नॉर्मल आ चुका है। ट्रैक्टर 2000 आरपीएम पे चल रहा है, वो ट्रैक्टर 200-300 आरपीएम की ड्रॉपेज दे रहा है। ये कंडीशन है रवा करने के बाद की कंडीशन है। आप पूरी रीड और अभी पूरे तरीके से रवा नहीं कर रहा ट्रैक्टर को, ये कल्टीवेटर चल रहा है। तो भाई जो बात है 200 आरपीएम का ड्रॉप पे मान के चलो, अब ये 200 आरपीएम ड्रॉप दे रहे हैं ट्रैक्टर इस कंडीशन पे। टॉप लो में चल रहा है 2000 आरपीएम पे, कोई स्मोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत ही जेन्युइन तरीके से हमने इसका थोड़ा सा रवा करा है। तो भाइयों जो भी भाई ट्रैक्टर लेता है तो उसे स्टार्टिंग के 5-4 घंटे अच्छे से रवा जरूर करा करो। तो भाइयों अब अखबार हटा देंगे, अब अखबार हटा के भाइयों ये 1.5 घंटा रवा करा है, आधा 1.5 घंटा लगा
लगभग आधा पौना घंटा लगातार चलाया हमने। तो अब पहले हाई में रवा होने के बाद इस कंडीशन में ट्रैक्टर चलेगा, चेक कर सकते हैं कि अब ट्रैक्टर की दाब पहले से कितनी कम हो चुकी है। अब ट्रैक्टर दाब ले ही नहीं रहा, अब आप चेक कर सकते हैं ट्रैक्टर की दाब, कहीं आरपीएम ड्रॉपेज मुझे तो नहीं दिख रहे, बाकी आप चेक कर लेना, वीडियो एंड तक देखना भाइयों, तो आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे कि रवा करना क्यों जरूरी है ट्रैक्टर। अब ये कंडीशन आ रही है थोड़ा रवा करने के बाद, अब पहले हाई में है ये, पहले सॉरी टॉप लो में था, अब पहले हाई में है ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी लगी हमारी आपको नॉलेज ट्रैक्टर रवा करने की, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके, ताकि हम आगे से आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से मोटिवेशन से बना के लाएं। तो चैनल को भाइयों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भाइयों। अब हरजीत भाई के आप पैर भी देख सकते हैं, एक साइड पे हैं, तो इसका मतलब अभी कोई वो नहीं है कि रेस या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसमें। भाइयों हमने वीडियो के दो पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो आपको अच्छे से दिखाएंगे कि रवा होने से पहले क्या कंडीशन थी ट्रैक्टर की और रवा होने के बाद में क्या कंडीशन है, किस तरीके से चल रहा है, जिस बाइक का ट्रैक्टर है उसकी जुबान से सुनवाएंगे उसे क्या फ़र्क लगा और वही चला के दिखाएगा क्या फ़र्क आ रहा है। तो भाइयों दूसरा पार्ट, एक और पार्ट बनाया वीडियो का, उसे भी आप ज़रूर देखना, ये फर्स्ट पार्ट है, वो सेकंड पार्ट होगा।